नवगठित ब्यावर जिले में इस वर्ष पहला जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के सफल आयोजन को लेकर शनिवार को एक तैयारी बैठक का आयोजन किया गया। उपखंड अधिकारी आईएस मृदुल सिंह की अध्यक्षता में नगर परिषद सभागार में आयोजित बैठक में शहर के विभिन्न विभागों को अधिकारियों तथा प्रभारी अधिकारियों ने शिरकत की। बैठक के दौरान एसडीएम सिंह ने सभी अधिकारियों को ब्यावर जिला बनने की शुभकामनाएं देते हुए पहली बार जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस आयोजन की रूपरेखा पर चर्चा की। बैठक के दौरान उन्होंने बताया कि जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में जिला कलेक्टर ब्यावर ध्वजारोहण करेंगे, साथ ही जिला स्तरीय प्रोटोकॉल की पालना की जाएगी। बैठक के दौरान एसडीएम सिंह ने उपस्थित विभिन्न विभागों के अधिकारियों से स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान उनकी तय जिम्मेदारियों का निर्वहन अच्छी तरह से करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान तहसीलदार मोहन सिंह राजावत, सिटी थाना अधिकारी बुराराम खिलेरी, नगर परिषद सचिव विकास कुमार व जलदाय विभाग के एसपी गहलोत, पटेल स्कूल से गुरुशरण गोयल, मुकेश प्रजापति, वर्धमान कन्या कॉलेज से अनु पारे, परिवहन विभाग से जाकिर हुसैन, प्रधानाचार्य दिनेश कुमार, नीतू विजय, सुमन बाला सैनी, सीबीओ जवाजा कैलाश चंद, विद्युत विभाग से अमित यादव, एकेएस से साबिर हुसैन, रोडवेज से गोविंद पंचमणी, एटीपी कमल सिंह शेखावत, नगर परिषद से पीएस गुर्जर, अंजुमन अंसारी तथा एसटी कॉलेज से डॉक्टर एन के साथ सहित अन्य विभागों के अधिकारी व प्रभारी उपस्थित थे। 15 अगस्त से 26 जनवरी वाले प्रोग्राम होते हैं, उनका एक सेट प्रोटोकॉल होता है और बहुत ही बड़े लार्ज स्केल पर बनाया जाता है, तो उसी को लेते हुए एक औपचारिक मीटिंग की है। इसके बाद जो भी हमको इसमें माइन्यूट चेंजेस करने हैं, माइन्यूट डिटेल्स करने हैं, वो एक और मीटिंग लेंगे। बट हाँ, ये बताते हुए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि ब्यावर में पहला 15 अगस्त होगा जिसमें कलेक्टर ब्यावर द्वारा झंडारोहण किया जाएगा, तो उसी को देखते हुए सारे प्रोटोकॉल सारे विधि के अनुसार ही ये प्रोग्राम आया। इसमें क्या विशेष मोस्टली तो विशेष यही रहेगा कि अब जो 15 अगस्त वाला प्रोग्राम है वो उपखंड अधिकारी नहीं करके डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट करेंगे, और वो सिर्फ ब्यावर के लिए नहीं करेंगे, वो लगते हुए जो हमारे छह उपखंड है उनको भी रिप्रेजेंट करते हुए ध्वजारोहण। बाकी इस पर कोई अपडेट होता है तो हम आपको बता देंगे।